कोरोना के बाद अब डराने लगी नई बीमारी H5N1 के प्रसार को लेकर WHO भी चिंतित। कोरोना महामारी का दंश झेले हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता कि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी। विशेषज्ञ भी इस नई बीमारी को लेकर चेतावनी जाहिर कर चुके हैं और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान सामने आ गया। WHO ने कहा कि मनुष्यों में वर्ल्ड फ्लू के मामले बेहद चिंताजनक हैं। भारत और दुबई के बीच रद्द हुई 30 से ज्यादा उड़ानें। UAE में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। UAE में भारी बारिश के कारण भारत और दुबई के बीच संचालित होने वाली 30 से ज्यादा उड़ानें मंगलवार और बुधवार को रद्द करनी पड़ी। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एमिरेट्स और स्पाइस जेट एयरलाइंस की उड़ानें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी, मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे सभी भाजपा नीत राजग गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनसे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहा। मोदी ने अपने संदेश में कहा कि यह चुनाव देश के वर्तमान को उज्ज्वल भविष्य से जोड़ने का अवसर है। पीएम मोदी और अमित शाह 20 से करेंगे कर्नाटक का ताबड़तोड़ दौरा। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के राज्य समन्वयक और राज्य महासचिव वी सुनील कुमार ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु और चिक्कबलापुरा में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए 20 अप्रैल को कर्नाटक में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 अप्रैल को कर्नाटक में रहेंगे, जहां वो कई चुनाव अभियानों में हिस्सा लेंगे। ITCM और ITR मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफल, ओडिशा के चांदीपुर से हुई लॉन्चिंग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM और एकीकृत परीक्षण रेंज ITR मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इनकी लॉन्चिंग ओडिशा के तटीय क्षेत्र चांदीपुर से की गई। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षण के दौरान सभी सिस्टम से अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन किया। यूपी की 8 सीटों पर मतदान कल, 80 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान बृहस्पतिवार को होगा। इस चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर मतदान होगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। वित्त वर्ष 2025 में घट सकती है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री की मात्रा। रेटिंग एजेंसी ICRA ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव और निर्माण गतिविधियों पर मानसून से संबंधित प्रभाव के कारण नए प्रोजेक्ट ऑर्डर में मंदी के कारण चालू वित्त वर्ष में घरेलू खनन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री MCE की मात्रा में गिरावट आ सकती है। उतार चढ़ाव के बाद फिर फिसला बाजार, सेंसेक्स 332 अंक टूटा, निफ्टी 22,050 से लुढ़का। शुरुआती बढ़त के बावजूद गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ। बुधवार को रामनवमी की छुट्टी के बाद गुरुवार को ऐसे तो घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर खुले, पर ये अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पाए। बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली दिखी और कारोबार बंद होते होते सेंसेक्स और निफ्टी औंधे मुंह गिर पड़े।